गुड इवनिंग बच्चों, हिंदी बिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द परिभाषा, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये बच्चों एक बार और हम बोल रहे हैं, एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द मानव, नर, आदमी। ये बच्चों चलिए आगे फिर लिखते हैं, आप लोग बताइएगा उसका। औरत, औरत का अभिषेक क्या होगा पर्यायवाची शब्द? महिला, नारी, महिला, नारी, स्त्री, स्त्री। महिला, नारी, स्त्री। औरत का पर्यायवाची शब्द महिला, नारी, स्त्री। उपवन, उपवन का कार्तिक क्या होगा? बाग, बगीचा, उद्यान। बाग, बगीचा, उद्यान। बाग, बगीचा, उद्यान। संसार, संसार का कार्तिक क्या बेटा? जगत, दुनिया, विश्व। जगत, दुनिया, विश्व। जगत, दुनिया, विश्व। पुत्र, पुत्र का कुनाल क्या होगा? शुद्ध बेटा, तनु। शुद्ध बेटा, तनु, तनु। एक और होगा इसका लाल। राजा, राजा का, राजा का पर्यायवाची गणेश बताएगा, क्या होगा गणेश? नृप, नरेश, भूपति। में नृप, नरेश, भूपति में। माँ, माँ का पर्यायवाची प्रशांत क्या होगा बेटा? जननी, माता, अम्बा। एक बार हम पूरा भी लिखो। नंबर, वचन, एक वचन, बहुवचन। इधर एक वचन लिखा है, इधर बहुवचन, ठीक। एक वचन हम बोलेंगे, बहुवचन आप लोग बोलिएगा, क्लियर। कुर्सी, कुर्सी का बहुवचन कुर्सियां, कुर्सियां। कलम, कलम का बहुवचन कलमें। पत्ता, पत्ते, पत्ते। चिड़िया, चिड़िया। घड़ी, घड़िया। सड़क, सड़के। गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।